ये जंगल कर गया है और दाहिने साइड का जो रास्ता देख रहा है ये शहर कर गया है। तू दाहिने साइड का रास्ता पकड़ लो और तू अपना शहर चले जाओ। रुक जाइए भैया। क्या? रुक जाइए। क्या हुआ? आपने मेरा प्राण बचाया भैया और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? हाँ भैया। अरे तू तो देखने में वेशभूषे से लग रहा है कोई राजकुमार ऐसा, और दोस्ती की बात कर रहा है। देखो अगर तुम्हें दोस्ती ही लगाना है तो यहाँ से जाओ, शहर बाजार जाओ और अपने बराबरी में दोस्ती करो। एक भिखारी से तुम्हें दोस्ती करके क्या मिलेंगे भैया? दोस्ती में अमीर भी गरीब भी नहीं देखा जाता है भैया।
अच्छा, दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं देखा जाता। हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर तू हमसे दोस्ती लगाने के लिए चाहता है तो इसी जंगल में एक टूटी हुई झोपड़ी है और उस झोपड़ी में मेरी माँ रहती है। अगर मेरी माँ कह देंगे तुमसे दोस्ती लगाने के लिए तो मैं अवश्य दोस्ती लगाऊंगा। क्या मेरे माँ के पास जाने के लिए तैयार है? ठीक है भैया, चलिए। ठीक है, चलो यहां से। क्यों रे भैया? जल देसा चला बार बार संबोधित किया, ये लड़का कौन है? अरे माँ। हाँ बेटा। क्या कहूँ माँ, तू मुझे बैठा करके भिक्षा लाने के लिए गया था। गए थे। और मैं टूटी हुई झोपड़ी में बैठ के भगवान का गुणगान कर रहा था और उसी टाइम ये लड़का आ गया था जंगल में शिकार खेलने के लिए और एक शेर पे अपना बाण चला दिया। इसका बाण काम नहीं किया और उस शेर ने इस पे टूट पड़ा। ये बेचारे डर के मारे चिल्लाने लगे, बचा बचा। तो जाकर के मैंने बचाया हूँ माँ। और ये लड़का कह रहा है। क्या कह रहा है पुत्र? कि भैया आप मेरे प्राणों का रक्षा किए हैं
आप हमसे दोस्ती लगा लीजिए बेटा। हाँ माँ, तुम तो देख रहे हो